सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माइकल जैक्सन का जो पोर्ट्रेट है मैं ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। इसका सिर्फ फेस आज ड्रॉ करूंगा, इसका जो हेयर्स और नीचे का जो बॉडी पार्ट है मैं कल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो ये प्रिंट आउट मैं हमेशा करवाता हूँ, मुझे करवाना पड़ता है इसलिए क्योंकि मेरे पास मोबाइल एक ही है, मैं मोबाइल से सिर्फ शूट करता हूँ। मुझे हमेशा ये जो प्रिंट आउट है करवाना पड़ता है क्योंकि मैं इसी से देखकर मैं बनाता हूँ। ये पोर्ट्रेट मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसलिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि मैंने बहुत सारा पोर्ट्रेट ग्रिड मेथड का यूज़ करके बनाया है। अगर आपको ग्रिड मेथड नहीं पता है कि ग्रिड मेथड क्या होता है, तो मैं जो वीडियो है ग्रिड मेथड का मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। फ्री हैंड बनाने से क्या होता है फ्रेंड कि आपका बहुत अच्छा स्किल्स डेवलप होता है, लेकिन ग्रिड मेथड से आपको ज़्यादा स्किल्स डेवलप नहीं होगा, आप बस आसानी से बना पाएंगे। इसलिए मैंने अब फ्री हैंड बनाना स्टार्ट किया है। पहले मैं ग्रिड मेथड का ज़्यादा यूज़ करता था, इसलिए अब मैंने उसको ग्रिड मेथड अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं फ्री हैंड का ही ट्राई कर रहा हूँ हमेशा। फ्री हैंड तो मेरे से अच्छे से बन ही जाता है, लेकिन मैंने ग्रिड मेथड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ग्रिड मेथड से एकदम 100% एक्यूरेट बनते हैं, लेकिन फ्री हैंड से आपको 90% 85% देखने को ही मिलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्रेंड कि आप फ्री हैंड ही बनाएं। अगर हाँ आपका अगर कमीशन वर्क आता है तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आपको देना होता है किसी को, तो आपको 100% एक्यूरेट ही देना होगा, इसलिए आप ग्रिड मेथड का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। जो पोर्ट्रेट मैं अभी बना रहा हूँ उसमें मैंने आइज़ और नोज़ को ड्रॉ कर दिया है। इसको आपको ऑब्ज़र्व करते हुए करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको आइज़ नोज़ लिप्स को देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि किस एंगल पर कौन सा पार्ट दिया हुआ है। ये अगर आप समझ जाते हो और उसका लेंथ आप नाप लेते हो तो आप आसानी से भी कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसी ट्रिक का यूज़ किया है, मैंने आईज़ को पहले ऑब्ज़र्व किया, फिर नोज़ का एंगल देखा, उसके बाद मैंने लिप्स को ड्रॉ किया और उसके बाद मैं उसका फेस को ड्रॉ कर दिया तुरंत। तो इस ट्रिक से आप भी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको ऑब्ज़र्व करना है और आसानी से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसके मैंने फर्स्ट लेयर चढ़ा दिया, उसके बाद मैं शेडिंग कर रहा हूँ अभी फेस का। यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया था फ्रेंड, और यहाँ पर मैं 6B और 3B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसको शेडिंग करने में, और ब्लेंडिंग ब्रश का भी मैंने यूज़ किया है। तो बस आज मैंने सिर्फ माइकल जैक्सन का फेस ड्रॉ करके दिखाया हूँ। अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिले या मिला होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लगातार मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ, और मैं भी बहुत सारा चीज़ मैं सीख रहा हूँ और आपको भी मैं लगातार सिखाता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।